एंगुलर मोमेंटम, नोट लिख लो, नोट, फॉर एनी प्लैनेट, तुम किसी भी प्लैनेट की बात कर लो जो सन के आसपास घूम रहे हैं, जैसे कि अर्थ, किसी भी प्लैनेट के ऊपर अगर तुम ये फॉर्मूला लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स और सॉरी टॉर्क इज डीएल बाय डीटी, जैसे एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डीटी, टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी, किसी भी प्लैनेट के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है, तुमने जाके धक्का मारा, तुमने जाके टॉर्क जनरेट किया, नहीं किया, फिर टॉर्क कैसे जनरेट हुआ, अपनी इंटरनल फोर्सेज में उनकी ग्रेविटेशनल पुल है जो अर्थ को घुमा रही है, सन का ग्रेविटेशनल पुल है, हमने जाके कुछ नहीं किया, तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होने की वजह से एल इज अ कॉन्स्टेंट, किसी भी घूमते हुए प्लैनेट का भूलना नहीं है, एल हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, चाहे वो अर्थ है, चाहे वो जुपिटर है, चाहे कोई भी प्लैनेट है, एल उसका कॉन्स्टेंट ही रहेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब इस बात को अगर हम समझें, एल कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इमेजिन करें कि सन के आसपास ये सन है, अर्थ घूम रही है, ये अर्थ घूम रही है, ठीक है, अर्थ घूम रही है। अब इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान आगे, घूमती हुई अर्थ का एल इज कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट है, सन के सामने अर्थ इज अ पॉइंट मास, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन अकेला अर्थ पे आता है, अर्थ इज अ स्क्वायर और स्क्वायर का मोमेंट इनर्शिया 2/5 mr², पर अगर क्वेश्चन सन के सामने आता है तो सन क्या कहता है, अर्थ मेरे सामने स्क्वायर है, पॉइंट है, ऐसे तो कई पॉइंट लेके घूम रहा हूं मैं, तो शेप बताना मत अर्थ की, कैट्स अ पॉइंट, और पॉइंट का मोमेंट इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो अर्थ सन के सामने इज अ पॉइंट मास, देखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, नहीं, एक्सिस पे घूमती है तो 2/5 mr², सन के सामने घूमती है तो पॉइंट मास, जैसे न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अर्थ के लिए एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट, मान लो ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वी और ये आर रेडियस में घूम रही है, तो अर्थ के लिए एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट, हमने डिस्कस कर लिया, किसी भी प्लैनेट का एम वी आर हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, मास तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट नीचे कॉन्स्टेंट आ गया तो क्या आ गया, वी आर इज अ कॉन्स्टेंट। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब अर्थ से सन की दूरी बड़ी होती है तो उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है, तो अर्थ जब यहां घूमेगी इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और जब डिस्टेंस अर्थ और सन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, अगर आर कम है तो वी ज्यादा, तो सोचो अर्थ कैसे घूम रही है, ये देखो, ये दूर गई, स्लो, तेज, फिर स्लो, फिर तेज, फिर स्लो, फिर तेज, जैसे जैसे आर कम होता जाता है स्पीड बढ़ती जाती है, आर दूर होता जा रहा है स्पीड, तभी तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वो यहां पे ज्यादा एरिया कैसे स्वीप करेगी, स्पीड तेज करके स्वीप कर देगी, और जब दूर है तो स्पीड स्लो है, एरिया स्वेप दोनों में बराबर रहेगा। पॉइंट क्लियर है? तो वी वन आर वन इज इक्वल टू वी टू आर टू, इस पर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं।